आप इसे पढ़ पाएंगे बेटा? टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन आईआर सिस्टम दैट इज द क्वालिटी ऑफ इट्स रिसर्च रिजल्ट अ यूजर विल यूजुअली वांट टू नो टू की स्टैटिस्टिक अबाउट द सिस्टम्स रिटर्न रिजल्ट फॉर अ क्वेरी. Yes. First, precision. Mm-hmm. What fraction of the return result are relevant to the information need? Second, recall. What fraction of the relevant documents in the collection were returned by the system? Yes. तो अब यहाँ पर ये जो precision और recall है, इसके बारे में हमें जो जान लेना है कि नहीं भैया क्यों चाहिए ये precision और क्यों चाहिए recall. तो यहाँ आपने ये पढ़ लिया है कि effectiveness of IR system. टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ आई आर सिस्टम और क्वालिटी ऑफ इट्स सर्च रिजल्ट. तो इससे जो निधि हमें ये समझ में आया है ना कि आप अगर मान लो आपकी आई आर सिस्टम है और ये जो आई आर सिस्टम है आपकी आई आर सिस्टम में जो बोल सकते हैं कि जो रिट्रीव रिजल्ट है आईआर सिस्टम में आपके जो रिट्रीव रिजल्ट है वो आपके इफेक्टिव है या नहीं है ये हमें कैसे समझेंगे. जैसे कि देखिए आप गूगल करते हैं, गूगल सर्च में आप आपका कोई कीवर्ड डालते हैं, ठीक है. अब ये जो कीवर्ड डालते हैं तो ज़रूरी है क्या कि आपके सारे रिजल्ट जो भी आते हैं यहाँ पर वो सारे रिलेवेंट ही रहे? ज़रूरी नहीं है. यस उसमें से कुछ परसेंटेज रिलेवेंट रहते हैं और कुछ परसेंटेज आपके रिलेवेंट नहीं भी रहते हैं, आपके काम के नहीं रहते हैं. तो अब यहाँ हमें देखना है कि आपकी जो सर्च सिस्टम है, एक मिनट. हेलो जी गुंजन जी, मैं ना क्लास ले रही हूँ, आप फोन करेंगे थोड़े एक घंटे के बाद फोन करेंगे? हाँ निधि. यस मैम. जी तो यहाँ पर ये हमने तो शुरू से ही डिस्कस किया है ना आईआर सिस्टम के बारे में कि सही में वो गूगल सर्च आपका रिलेवेंट रिजल्ट देगा या नहीं देगा और देगा तो कितने परसेंटेज देगा. तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कोई तो भी हमारे पास ऐसा कोई तकनीक होना चाहिए जिससे हम इफेक्टिवनेस ऑफ आईआर सिस्टम को मेजर कर सके, उसका मापन कर सके, ठीक है. तो यहाँ हमारे पास में दो है, एक है प्रिसीजन है और एक है रिकॉल. तो ये जो प्रिसीजन और रिकॉल है, क्या आपको ये रिकॉल हो रहा है? हमने कहाँ पढ़ा हुआ था प्रिसीजन रिकॉल? मैम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में पढ़ा. वेरी गुड, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ था. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कुछ याद आ रहा है आपको? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. यस मैम. वेरी गुड. तो मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का आप एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं फट से, ताकि हम लोग प्रिसीजन और रिकॉल के बारे में अभी बाद में डिस्कस कर पाएंगे. तो यहाँ पे मुझे बताइए, अगर मैं जैसे कि यहाँ 2x2 मैट्रिक्स में कुछ लिखती हूँ तो वो क्या वैल्यूज़ रहेंगे? एक मिनट. हेलो. हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर. सर जी मेरी ना क्लास चल रही, मैं आपको करूँ और देर के बाद फोन. जी जी सर, जी सर. हाँ ओके सर. हेलो. यस मैम. हाँ हाँ निधि. हाँ आप बताएंगे कि हमने अगर इसे 2x2 मैट्रिक्स में लिखा है तो लिखते वक्त हम लोग क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, बताइए जरा. पर प्रेडिक्शन कहाँ लिखना है? यहाँ. यस मैम. ठीक है, मैं यहाँ प्रेडिक्टेड लिखती हूँ, प्रेडिक्शंस लिखती हूँ. यहाँ पर क्या लिखना है? एक्चुअल. वेरी गुड. एक्चुअल. और तो मैम फर्स्ट ब्लॉक में जो वैल्यूज आएंगी वो ट्रू पॉजिटिव की आएंगी. ट्रू पॉजिटिव की आएगी, ठीक है. एक थोड़ा सा मैं यहाँ ओरिएंटेशन चेंज कर दूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो यस लिखना बहुत ज़रूरी है पहले. यस. उसके बाद में ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं.
यहाँ पर मैं नो लिखती हूँ, यहाँ यस लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ नो नो है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ट्रू नेगेटिव, यस। और ये दोनों यस वाले हैं, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव, और यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो आपका ये कन्फ्यूजन मैट्रिसेस आपको अच्छी तरीके से याद है, बढ़िया से। अब एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी ना, इसके बारे में अगर आपको याद होगा तो टाइप वन एरर और टाइप टू एरर के बारे में पढ़ा था हमने। टाइप वन एरर और टाइप टू एरर याद है कुछ? टाइप वन एरर क्या है? याद नहीं है? हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए आपका जो नल हाइपोथेसिस है, जो आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी रिजेक्ट इट। आपका नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी रिजेक्ट इट, ये है आपका टाइप वन एरर बोलते हैं इसे, टाइप वन एरर। देखो कोई भी जब सिस्टम होती है तो उस सिस्टम में एरर आती है, तो एरर कब आएगी, जब आप कोई चीज़ें गलत समझते हैं तो। तो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी रिजेक्टेड। तो जैसे कि आप देखो, मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है बेटा, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, हाँ, पर हमने क्या किया है ना, जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा जो अजम्पशन है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, निधि इज नॉट कोविड पॉजिटिव, ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस है, बट वी हैव रिजेक्टेड इट। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या किया, बोल दिया है कि वो पॉजिटिव है, तो यहाँ ये हमारी जो आ रही है ना, ये इसे हम बोलते हैं टाइप वन एरर। तो ये जो टाइप वन एरर है, वो टाइप वन एरर मतलब आपके जितने भी फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़ है, फॉल्स पॉजिटिव्स है, वो सारे फॉल्स पॉजिटिव आपके टाइप वन एरर है, ठीक है। वो बता रहा है कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, फिर भी उसे हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव, या आप बोल सकते हैं इसे कि जो कोई चीज़ है, मान लो ये कोई पेन है या फिर पेंसिल है, मैं दिखा रही हूँ, और बोल रहे हैं आप कि ये पेंसिल नहीं है, ठीक है, इसे हम लोग टाइप वन एरर बोलते हैं, टाइप वन एरर। वैसे ही आपका दूसरा आता है, दूसरी टाइप की एरर आती है टाइप टू एरर, ठीक है। टाइप टू एरर में क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट होता है, नल हाइपोथेसिस जो है आपका इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है, और हम क्या करते हैं, एंड वी एक्सेप्ट इट। अब ये नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है और हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जितनी भी आपकी फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज है, फॉल्स नेगेटिव्स है, वो सारे आपके टाइप टू एरर में आते हैं, टाइप टू एरर में यहाँ पर आएंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये जो दिख रहा है फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ये हमारे टाइप वन एरर और टाइप टू एरर की ये वैल्यूज़ है। तो खास करके देखो ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव में तो कोई एरर टर्म नहीं है, हाँ निधि, दे आर व्हाट द, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बता रहा है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बता रहा है। अभी दो ही ऐसी टर्म है जिसमें एरर है, जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव में हमारे क्या हो रहा है कि आपके एक्चुअल में यू आर नॉट कोविड पॉजिटिव, ठीक है, जैसे देखो एक्चुअल में वो नो है, पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं कि हाँ भैया तुम कोविड पॉजिटिव हो, कोविड पॉजिटिव, हम लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो नहीं है, पर जो आउटकम है वो आउटकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये तो कोविड पॉजिटिव है करके। अब दूसरा है कि यहाँ फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव में आपका क्या रहेगा कि आपका जो आउटकम है वो आउटकम आपका जो चीज़ यस है वो नहीं है,
जो चीज़ यस है नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो है, बट आपका जो आउटकम है या आपका जो प्रडिक्शन है वो उसे नो बोल रहा है, मतलब एक्चुअल में वो पेंसिल है पर आप उसे बोल रहे हैं आउटकम में नो, और इधर में क्या हो रहा है फॉल्स पॉजिटिव में कि भैया आपका वो पेंसिल नहीं है फिर भी आप उसे पेंसिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ हाउ, अब जो मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ उसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फॉल्स पॉजिटिव्स आर टाइप वन एरर और फॉल्स निगेटिव्स आर टाइप टू एरर, ठीक है। अब हम जाते हैं रिकॉल और प्रिसीजन पर। आपको फॉर्मूला याद होगा तो बताइए ज़रा उसका, रिकॉल और प्रिसीजन का। ये जो रिकॉल है और ये जो प्रिसीजन है, ये दो हमारे ऐसे हम बोलेंगे कि ऐसे टर्म्स है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं कि कितना इफेक्टिव आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है। तो अब रिकॉल और प्रिसीजन में आपको याद आ रहा होगा या फिर आपके पास लिखा होगा, पर फिर भी मैं और एक दूसरे तरीके से आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। रिकॉल को हम लिखेंगे ट्रू पॉजिटिव, और आपके जो भी एक्चुअल ट्रू पॉजिटिव प्लस टाइप टू एरर फॉल्स नेगेटिव। हाँ बताओ, फॉल्स ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यस, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर ये करूँगी ना, इसे और सिंप्लीफाई कर देते ताकि आपको एकदम से ध्यान में रहे हमेशा के लिए। रिकॉल जो है वो आपका है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस। तो एक्चुअल यस में देखो क्या है आपका, मैम एक्चुअल यस तो ट्रू पॉजिटिव ही हुआ। नहीं, पीछे नहीं जा रहा ना। हाँ देखो, एक्चुअल यस दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला उस तरीके से लिखा है। एक्चुअल यस जो है आपके, एक्चुअल यस में क्या है, फॉल्स निगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव। हाँ, तो अब फॉल्स निगेटिव और ट्रू पॉजिटिव अगर आप ये ध्यान में रखेंगे ये अगर ध्यान में रखते हैं तो मैं यहाँ लिखती हूँ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस आपका है फॉल्स निगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव। अब वैसे ही मैं प्रिसीजन में क्या लिखूँगी, ट्रू पॉजिटिव, और यहाँ लिखूँगी मैं प्रेडिक्टेड यस। यहाँ पर क्या था रिकॉल में, प्रेडिक्टेड यस था, और अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर रिकॉल में एक्चुअल यस था, यहाँ पर लिखूंगी मैं प्रेडिक्टेड यस। तो देखो प्रेडिक्टेड यस में क्या है, ट्रू पॉजिटिव, और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था इसमें पॉजिटिव। यस, ये बहुत डिले हो रहा है, पता नहीं क्या प्रोसेस चल रही है, तो बैकडोर में मैं इसे कैंसिल भी करने की कोशिश कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है इसमें। चलो ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप प्रेडिक्टेड यस, फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव यस, तो अब यहाँ फॉल्स पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग प्लस ट्रू पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये आपका रिकॉल और प्रिसीजन का फॉर्मूला हो गया। तो इसी के आधार पर एक उदाहरण मैं दूंगी। ये आपका प्रेडिक्टेड है, आपने शायद सॉल्व भी किया होगा। रिकॉल और प्रिसीजन लिखना है, ये है प्रेडिक्टेड आपका नो और यस। देखो यहाँ पर यस और नो अगर हमने अदला बदली कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस तरीके से फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखो कि कोई तो भी एक पक्की बात, जैसे नो पहले लिखना है, यस पहले लिखना है, ये हमेशा एक जैसे ना गार्ड बांध, तो फिर कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कन्फ्यूजन करने वाला ही मैटर है। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 50, 10, 15, 75, ठीक है। अब आपको निकालना है इसमें से रिकॉल कितना है और आपको निकालना है
प्रिसीजन कितना है। और तीसरी बात आप निकाल सकते हैं, तो देखिए एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का फॉर्मूला आपको पता है? एक्यूरेसी, हाँ बताओ, ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय, यस डिवाइड बाय ऑल द वैल्यूज ना, टोटल सैंपल्स। ठीक है, टोटल सैंपल का मतलब क्या है? सब कुछ, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। मैं यहाँ पर टोटल सैंपल्स लिखती हूँ, टोटल सैंपल्स। अब रिकॉल और प्रिसीजन को जो लिखा हुआ है ना निधि, मैंने इस तरीके से एक्चुअल यस और प्रेडिक्टेड यस ऐसे ध्यान में रखना कभी भी। यस मैम। तो कभी आपका ना गलत नहीं होगा। एक्चुअल यस मतलब रिकॉल और प्रेडिक्टेड यस मतलब आपका प्रिसीजन। मैं यहाँ पर एरर का फॉर्मूला लिख रही हूँ, देखो एक्यूरेसी। हाँ तो रिकॉल का क्या बना है निधि, बताएंगे आप? मैम रिकॉल आया है 0.75। या वेरी गुड, 0.75। तो रिकॉल की जो वैल्यूज है आपकी वो कितनी आ रही है? 75/100। हाँ एक्चुअल यस, एक्चुअली 15+75। यस 15+75, तो ये आपका कितना आएगा? 90 चाहिए? यस मैम, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया मैम, वो मैंने 75+1500 कर दिया था। तो वो ना तुम होता है कभी कभी एकदम से 5 दिख गया ना तुम्हें, तो वो तुम्हें लगा 25 है, वो हो जाता है। हाँ पर फिर मैम रिकॉल 0.83 आएगा। हाँ 0.83 में लिख, ठीक है। अब प्रिसीजन, प्रिसीजन में वही 75 प्लस इसमें क्या है? प्रेडिक्टेड यस है, यस। तो ये है 85.88। पक्का? यस मैम। ठीक है चलो, 0.88। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी 50+75 डिवाइडेड बाय, हाँ 50+10+15+75। ठीक है, यस मैम। हाँ कितना आ रहा है मैम? ये आया 0.83। जीरो पॉइंट एट थ्री। और आपकी एरर कितनी आ रही है? हाँ सही है, 0.17। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट मैंने एक रिकैप लिया था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, और जिसके आधार पर हम लोगों ने ये दो जो इक्वेशंस, दो जो फॉर्मूलीज है रिकॉल और प्रिसीजन, ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये देखो मैं जा रही हूँ पीछे की स्लाइड्स पर, पीछे की स्लाइड्स में एकदम पहले वाले स्लाइड में जो लिखा हुआ था, ये हमारा वाइट बोर्ड आज ना बहुत ही स्लो चल रहा है, पता नहीं मैं क्लिक करती हूँ तो जाता ही नहीं आगे। प्रोसेस हो रहा है कुछ? नहीं ये जो है ना ये प्रोसेस हो रहा है, देखो ये प्रोसेस हो रहा है, इंस्टॉलिंग अपडेट बोल रहा है, मैं ना बार बार उसे बंद भी कर रही हूँ पर फिर भी नहीं हो रहा है। चलो आ गया आखिरी में, ठीक है। तो यहाँ इफेक्टिवनेस ऑफ आईआर सिस्टम में देखो मैंने क्या कहा था, प्रिसीजन और रिकॉल। अब ये प्रिसीजन रिकॉल में एक बार हम लोग ना रिकॉल की बात करते हैं। रिकॉल में हमारा क्या था? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय हमारा क्या था? एक्चुअल यस, ठीक है ना, एक्चुअल यस।
अब ये एक्चुअल यस है और इसका मतलब है रिकॉल. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन वेर रिटर्न्ड बाय द सिस्टम. देखो क्या लिखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट. अब रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके कौन से है, देखो ये ट्रू पॉजिटिव आपके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना. यस मैम. ये पीछे चला गया भैया, आगे बढ़ो. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन वेयर रिटन बाय द सिस्टम. इसका मतलब क्या है कि देखो ये तुम्हारे पास सभी कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है. ये सारे रिलेवेंट है, मतलब एक्चुअली वो क्या है, सारे यस है, मतलब रिलेवेंट है, ठीक है. ये एक्चुअल यस. तो इन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में से, इस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में से तुम्हारा हो सकता है कि जो तुम्हें रिटर्न मिला है गूगल सर्च में, जो रिटर्न मिला है वो तुम्हारा इतना मिला है आपको, ठीक है. मतलब रिलेवेंट तो सारा है, पर रिलेवेंट में से भी तुम्हें जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, ये जो पोर्शन मैं दिखा रही हूँ ना रेड लाइन से, ये इतना पोर्शन आपको रिलेवेंट मिला है. आ रही बात ध्यान में. मतलब जो एक्चुअल यस है, टोटल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से आपको कितने ट्रू पॉजिटिव मिले हैं, मतलब कितने एक्चुअली रिलेवेंट मिले हैं, इसका रेशियो का मतलब है रिकॉल. यस यस मैम. ठीक है, अब चलो ये इसके प्रिसीजन पर चलते हैं. अब प्रिसीजन को कैसे करेंगे, देखो. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिटर्न रिजल्ट्स आर रिलेवेंट इन द इंफॉर्मेशन नीड. What fraction of the returned results are relevant in to the information need? मतलब क्या है कि precision में मान लो कि ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये आपका पूरा का पूरा outcome है, मतलब आपका outcome है, prediction है, ठीक है. prediction है, वो सारा का सारा prediction आपको बोल रहा है कि भैया ये जो है ये आपका outcome है. आपकी इन्फॉर्मेशन नीड मान लो कि मुझे सर्च करना था एडा लवलेस, पता है ना एडा लवलेस कौन है. एडा लवलेस ही फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर है. यस मैम. हाँ, जिसने कि चार्ल्स बैबेज के जो ये था ना एनालिटिकल इंजन और फिर एनियक, ये सारे जो शुरू के डिजिटल कंप्यूटर्स थे उस पर उसने काम किया है, प्रोग्राम किया है. तो ये एडा लवलेस के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, ठीक है, कि हु इज़ द फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर एडा लवलेस. तो हमारा जो सर्च है वो आउटकम क्या है, आउटकम मेरा ये आया है, ये मेरा सारा गूगल में ये सारा सर्च आया, पर ये सारा सर्च जो है क्या सही में रिलेवेंट है क्या, नहीं है. मेरा जो सर्च है वो सारा रिलेवेंट नहीं है. अब एडा लवलेस जैसे फर्स्ट प्रोग्रामर या प्रोग्रामर में बोलती हूँ, तो और भी कोई प्रोग्रामर होंगे दुनिया में लेडी प्रोग्रामर, उसके बारे में भी कुछ पेजेस होंगे जो गूगल देगा. तो यहाँ पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिटर्न रिजल्ट्स आर रिलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन नीड, मतलब ये जो है ये आपका आउटकम है, मतलब क्या है आपके प्रेडिक्शंस है. ये सारे आपके प्रेडिक्शंस है या फिर आउटकम है, ये पूरा का पूरा आउटकम है. और पर आउटकम में से आपके ज़रूरत की इंफॉर्मेशन कितनी है ये भी हमें देखना है. तो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि ये सारा का सारा जो है ये मेरे काम का नहीं है, इतना ही मेरे काम का है. ये जो दिख रहा है आपको ये बाउंड्री, यही मेरे काम की है. मतलब एडा लवलेस में जो इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल मेरी इन्फॉर्मेशन मैं मांग रही हूँ वो इतने पेजेस में है, बाकी ये सारे जो पेजेस है ना ये इररिलेवेंट है. मतलब मेरा ये जो आउटकम है ये काम का नहीं है. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिटर्न रिजल्ट, ये रिटर्न रिजल्ट है, ये क्या है बेटा, ये रिटर्न रिजल्ट है या फिर ये आउटकम है. तो ये मेरा रिटर्न रिजल्ट के प्रपोर्शन में मैं क्या कर रही हूँ, प्रेडिक्शन कर रही हूँ. यहाँ पर ये मेरा प्रेडिक्शन है, जो आउटकम है उसमें से कितना रिलेवेंट है. और रिकॉल क्या है, जो एक्चुअल में रिलेवेंट है उसमें से कितना मैं रिलेवेंट निकाल रही हूँ, ठीक है ना. यस मैम. हाँ, ये थोड़ा सा एनालॉजी प्रेडिक्शन और रिकॉल में से जो एनालॉजी है वो समझो. तो ये जो ये पूरा का पूरा रिलेवेंट है, ये पूरा मेरा रिलेवेंट है और ये मेरे पूरे प्रेडिक्शंस है.
तो इस रिलेवेंट में से, एक्चुअली जो रिलेवेंट है उसमें से मैं कितना निकाल रही हूँ, वो मेरा रिकॉल है पूरे सिस्टम का, या फिर पूरी जो आईआर सिस्टम मेरी काम करती है उसका रिकॉल है, और ये जो प्रेडिक्शंस है पूरे, उस प्रेडिक्शंस में से मेरे कितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन नीड को मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मेरे क्या है, मेरा प्रोसीजन है, ये जो है ये मेरा प्रिसीजन है। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी आईआर सिस्टम को, एक अच्छा आईआर सिस्टम बनाने के लिए क्या होना ज़रूरी है? प्रिसीजन होना ज़रूरी है अच्छा, या रिकॉल होना ज़रूरी है अच्छा, या फिर दोनों अच्छे रहने चाहिए? अच्छा मतलब ज़्यादा होना चाहिए। मैम मुझे ऐसा लगता है रिकॉल ज़्यादा होना चाहिए। रिकॉल ज़्यादा होना चाहिए एक बात बेटा, और प्रिसीजन भी ज़्यादा होना चाहिए ना, दोनों भी, क्योंकि देखो इफेक्टिवनेस हम जब बात करेंगे तो प्रिसीजन एज वेल एज रिकॉल ज़्यादा होगा तो ही। अब देखो यहाँ पर ये प्रिसीजन ज़्यादा कब होगा, जब आपके ये जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नीड है आपकी वो ज़्यादा रिट्रीव होगी तब। हाँ तो ज़्यादा रिट्रीव हो गई इसका मतलब आपका प्रिसीजन मोर है ना, आपका जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा है, और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में से आप कितना ज़्यादा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फेच कर रहे हैं तो ये रिकॉल बता रहा है। तो रिकॉल भी ज़्यादा होना चाहिए और प्रिसीजन भी ज़्यादा होना चाहिए। हम बोल सकते हैं ना रिकॉल और प्रिसीजन अगर आपका सही है, बढ़िया है, तो आपका इफेक्टिवनेस अच्छा है। देखो यहाँ पर है ना, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ आईआर सिस्टम दो मेजर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे प्रिसीजन और रिकॉल ये दो मेजर्स ऐसे हैं जो आपका इफेक्टिवनेस ऑफ आईआर सिस्टम बताते हैं। पर क्या होता है कि जब हम लोग रियल टाइम क्वेरी करते हैं ना, जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज में होती है, ये तो कोई डेटाबेस की क्वेरी नहीं है, तो नेचुरल लैंग्वेज खुद इतनी एम्बिगुअस है कि वो डेफिनेटली और भी कुछ चीज़ें दे देगी। जैसे कि मैंने बॉल के बारे में ढूंढा तो वो तो बॉल पार्टी के बारे में भी देगी, और मतलब बल्ले वाला जो बॉल है उसके बारे में देगी। तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि वो इररिलेवेंट रिजल्ट देगी नहीं कभी। तो इस वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में हमें ये देखना है कि आपका प्रिसीजन भी ज़्यादा हो, मतलब आपके जो इररिलेवेंट रिजल्ट है या फिर जो आउटकम है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं वो कम से कम हो, और आपके रिलेवेंट जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और रिकॉल में जो भी आपका रिलेवेंट रिज़ल्ट है, रिलेवेंट में से कितना फेच कर पाती है आपकी आईआर सिस्टम, कितने अच्छे से क्वेरी को मैच कर पाती है, ये भी ज़रूरी है। तो दोनों भी बढ़िया रहने से आप कब बोल सकते इफ़ेक्टिव है करके। ठीक है, यस मैम। तो एक ऐसे ही एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेंगे इसी के आधार पर, यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा एनालॉजी आप बढ़िया से कर पाएंगे इसकी। देखो ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में 20 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास में 25 डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिट्रीव हो गए, उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि 14 ऑफ the document are relevant। देखो यहां पर मैंने तीन चीजें लिखी हुई है, 20 documents है आपके पास में, मतलब जो कि सही में relevant है, ठीक है ना। अब 25 में 25 डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट,
25 डॉक्यूमेंट्स आपके सर्च क्वेरी में से, जब सर्च क्वेरी आपने डाली तो आपके 25 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए, पर उसमें भी क्या हो गया ना, 25 डॉक्यूमेंट में से केवल ऐसे थे कि 40 डॉक्यूमेंट्स ही आपके रिलेवेंट थे। तो आप बताइए प्रिसीजन क्या होगा और रिकॉल क्या होगा। मैम ये जो 14 ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है ये इसमें से देखो 20 हमारे पास में रिलेवेंट है एक्चुअल में, जैसे एडा लवलेस नाम के जो भी डॉक्यूमेंट है ना नेट पर 20 है। यस, पर जब मैंने एडा लवलेस नाम से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की, सर्च किया, तो 25 डॉक्यूमेंट मिले मुझे। यस मैम। तो हो सकता है ना एडा नाम का और भी कोई होगा दुनिया में। यस मैम। लवलेस नाम का होगा भाई, ठीक है, तो मुझे 25 मिल गए। पर जब 25 मिले तो मैंने ये देखा कि उसमें से केवल 14 ही मेरे डॉक्यूमेंट जो थे वो रेलेवेंट थे। आ रही मध्यान में? यस मैम। देखो यहाँ रिकॉल कैसे क्या करोगी फिर रिकॉल के लिए। मैम रिकॉल के लिए 14 बाय 14 प्लस 25 ना यहाँ पर टी एफ एफ पी का वो भूल जाओ, इसीलिए मैंने इसी पेज पर, मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के पेज पर जंप नहीं किया, मैंने इसी पेज पर ये जो फिगर्स बनी हुई है ना इसी पेज पर मैंने इसलिए बताया कि देखो रिकॉल का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब आपका ये 14 रिलेवेंट है और आपका रिलेवेंट होने के साथ साथ ही आपके जो रिकॉल में क्या है एक्चुअल यस, एक्चुअल यस मतलब एक्चुअल रिलेवेंट वो कितने हैं 20। यस मैम। हाँ, और देखो अभी प्रिसीजन जब निकालोगे तो प्रिसीजन में क्या है आपके टीपी तो है ही पर प्रेडिक्टेड यस, मतलब देखो 25 डॉक्यूमेंट्स ने बोल दिया ना कि हाँ भैया मैं एडा लवलेस से रिलेटेड हूँ, तो आपके ये क्या है प्रेडिक्टेड यस। यस मैम। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव तो थोड़ा सा साइड में रख के हमें सोचने वाली बात है, ठीक है, कि एक्चुअल यस कितने हैं और प्रेडिक्टेड यस कितने हैं। तो यहाँ उसमर से रिकॉल और प्रिसीजन निकलेगा, तो आप रिकॉल और प्रिसीजन यहाँ निकालो। कितना आ रहा है मैम? रिकॉल है 0.7। हाँ, और प्रिसीजन है 0.56। तो देखो इसका रिकॉल अच्छा है पर प्रिसीजन अच्छा नहीं है, नहीं। तो इसका प्रिसीजन बढ़ना चाहिए, मतलब 25 डॉक्यूमेंट वो रिट्रीव करे उसमें से हो सकता है 19 20 ऐसे कोई रिलेवेंट दे दे, है ना, तो जाके उसका प्रिसीजन बढ़ेगा। प्रिसीजन बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आईआर सिस्टम है इस जो भी जिस लॉजिक पर वो निर्भर है वो इफेक्टिव है। आईआर सिस्टम का इफेक्टिवनेस हम इससे पता कर सकते हैं प्रिसीजन से और रिकॉल से। हाँ, होगी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई आपकी प्रिसीजन और रिकॉल के बारे में? ठीक है, मैं इसे ये ना रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।